हम समय और न लेते हुए एक्सपीरियंस शेयरिंग लेंगे अपने भोपाल रिट्रीट के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जो भी अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहें प्लीज रेज हैंड्स। यस रेखा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते मैम। सबसे नमस्ते जी। पहले तो देख के ही अच्छा लगता शुरू में थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम रहा। जी। नहीं, बहुत अच्छा रहा मैम। इस रिट्रीट के बाद तो वाकई मैम बहुत ऐसा लग रहा है हमारी बहुत अच्छी सफाई हो गई है। अब जब सफाई हो जाती है तो फिर जैसे अपन घर को सजाते हैं बिल्कुल उस तरीके की फीलिंग हो रही है। और हमारी नहीं, मतलब जैसे अपन एक एक कॉर्नर की सफाई करते हैं ना, उस तरह से ऐसा लगता है हमारे पूरी फैमिली पे भी उसका बहुत अच्छा असर आया है। ने बताया था कि आप जब भी आपका अटूनमेंट हो रहा है तो आप ये सोचो कि आपकी पूरी फैमिली का हो फैमिली रहा का हो है। रहा है। वो फर्क हमको 2 दिन से दिख रहा है मैम, और हाँ ऐसा लग रहा है हमारे अंदर से बहुत क्लीन हो गया है और बहुत खाली, और ऐसा बहुत पीस और लाइट होता है ना। बस अब तो यही इच्छा है मैम कि ये वाला जो है ये पीरियड हमेशा बरकरार रहे। बहुत सारी सफाई हो गई है जो ऊपर आई फाइल सब हुआ, और वो सब बस आपकी सर की पूरी टीम की इतनी मेहनत है कि आप सब लोग हमको उस सिचुएशन से निकाल पाए। जब भी कुछ रहा सभी स्पीकर्स ने हमारी हेल्प करी, आप लोगों ने पर्सनली भी फोन करा हम लोगों ने, तब भी आपने हमारी इतनी हेल्प करी। और सर की इतनी ब्लेसिंग है कि जो हर बार है और इस बार जो दिया, चाहे श्वेता मैम है आप है मैम, बहुत अल्टीमेट मिला है। मतलब उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। और लगता है कि वाकई हम जब जिस लायक होते हैं ना, तो माँ बाप को मालूम होता है ना कि हमारे बच्चे को किस समय क्या देना है। शायद सर को भी वही मालूम है कि किस समय हमको भोपाल में क्या देना है। थैंक बिल्कुल यू सो मैम, मच बहुत आप लोग का, बहुत क्योंकि हम अम्मी सभी जी। कनेक्टेड सोल्स हैं। और सर जी इज सेइंग कि डिजिटल सोल एवोल्यूशन, हम लोग सब धीरे धीरे डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं, तो सेम वे बिल्कुल आप हम लोग सब इवॉल्व हो रहे हैं। मैम, इस बार हमें 1-2 का 4 मिला है, 4 टाइम अट्यूनमेंट, अरे मतलब वाह, बोनेंजा मिला है हम लोगों को। रक्षाबंधन का गिफ्ट हमें एडवांस में दिया है सर ने। तो सर का, आप सबका, श्वेता मैम का, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है मैम। और मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि वाकई एक रिट्रीट का जो एक्सपीरियंस है वो लेने पे ही आएगा, और वाकई वहां पर जाके ही समझ में आता है जो हमको यहाँ से नहीं आता। एग्जाम भी होते हैं ना, एग्जाम के बाद रिजल्ट भी आता है। इसीलिए, और फिर जब मम्मी पापा गिफ्ट देते हैं ना तो उसका भी अपना मजा है। तो इस बार सर ने हमको 2-2.5 साल बाद इतनी बड़ी गिफ्ट हमको मिली है, सारी सफाई होने के बाद। थैंक आपके बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं, तैयार रहिए सब। जी यू मैम, थैंक यू। स्मृति जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, ओम साई राम मैम, ओम साई राम। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा इस रिट्रीट में मैम। बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मोड में आ गए हम लोग, और जैसा कि अभी रेखा जी कह रहे थे ना कि हमको हमारी फैमिली में भी वो सारी चीजें दिख रही हैं, वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी, वो पीस, बहुत अच्छा लगा इस बार। और मैम टॉपिक बहुत अच्छे थे, हमको बहुत कुछ न्यू एक्सपीरियंस मिला, और अट्यूनमेंट की तो मतलब बस गिफ्ट ही गिफ्ट थे वो हमारे लिए। ये रिट्रीट बहुत कुछ बढ़िया कुछ ये एक्सपीरियंस। रिट्रीट हमने भी फील किया, कुछ ऐसा था कि सर ने बस देते गए ना, बस कुछ मिलता सोल ही का गया बस मैम, सपोर्ट मिलता मिलता ही गया। गया, जो मतलब मांगा भी नहीं, कभी सोचा नहीं, इतना कुछ मिल गया। बहुत खूबसूरत, और भोपाल बहुत खुश थे। भोपाल वास मतलब भोपाल के, मैं बोलती हूँ, बहुत गॉडेसेस बहुत मेहरबान थे। एकदम हिल स्टेशन जैसा पूरा 5 दिन 6 दिन वहां का पूरा माहौल बहुत बना रहा कि कब बारिश कितनी पड़नी है, कब हम बाहर घूम भी सकते हैं थोड़ा बहुत, कब, तो एकदम सब ऐसे मेंटेन था कि गॉड ने एक एक क्षण को जैसे तैयार किया है। बिल्कुल, बहुत जैसे सब खुश, हमारे लिए प्रिपेयर करके पहले से रखा गया हो। थैंक यू एकदम। सो थैंक मच मैम, थैंक यू यू। हीना शाह जी। जी नमस्ते यस मैडम, गुड इवनिंग मैडम। नमस्ते मैडम, जी, आप वीडियो कॉल कर रहे हैं। मैडम हाँ, एक सजेशन है आपको। मेडिटेशन का आप सब करवाते हो ना, वॉल्यूम बहुत स्लो रहता है। कल भी पूरा मेडिटेशन कुछ भी सुनाई नहीं दिया, आज भी वही प्रॉब्लम हुआ। बहुत अच्छा करवाते हो आप लोग, लेकिन मेडिटेशन कुछ भी सुनाई नहीं, कुछ वॉल्यूम थोड़ा अच्छा, रोज ऐसा ही प्रॉब्लम आज मैंने होता है। बहुत बीच बीच में मैं ट्राई करती रही कुछ कुछ,
कुछ भी सुनाई नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगा तो अच्छा रहेगा हमको, आज कुछ भी बट हाँ हम लोग आगे से मास्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप सबको सुनने को मिले, ऐसे होता है हमको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है मेडिटेशन में. भोपालवासी और भी कोई शेयर करना चाहे? जी आकांक्षा जी, जी अनम्यूट कीजिए. हरे कृष्णा मैम, गुड इवनिंग. बाल रिट्रीट के बारे में मैं क्या बोलूं, बिल्कुल मतलब इस रिट्रीट में मेरा आना स्टार्टिंग से ऐसा था होगा नहीं होगा. बट एक्चुअली जो प्योर इंटेंशन आपका होता है ना मैम, मैंने देखा इस रिट्रीट में कि जब आप एक प्योर इंटेंशन से कोई चीज करने के लिए सोचते हो ना, तो यूनिवर्स पक्का वो चीज पूरी करता ही करता है. और वो मैं पहुंच गई फाइनली रिट्रीट में. और रिट्रीट में इस बार इतनी चीजें जो हमको मिली है, सोल रिग्रेशन, जीन रिग्रेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इतने सारे रिग्रेशन प्लस मनी अबंडेंस एडवांस, जो ये सारी चीजें हैं ना, इन्होंने बिल्कुल परसेप्शन चेंज कर दिया है. मतलब बाहर की दुनिया वही है, ये सर ने भी कितनी बार ये चीज हमको समझा समझा के भेजी है पूरी तरह से कि बाहर की दुनिया आपकी वही रहने वाली है, पर आपका जो परसेप्शन है दुनिया को लेके, चीजों को लेके, वो बहुत चेंज हो जाता है. तो उससे क्या होता है कि हम लोग हर चीज को बहुत अलग तरीके से डील करने लग जाते हैं और एक्सेप्टेंस मोड बहुत बढ़ जाता है. तो थैंक यू सो मच कि बहुत अच्छे से चीजों को डील करने लग गए हैं. और बस यही होप करते हैं कि बस ये चीजें ऐसे ही डील कर सके और आप सबका आशीर्वाद मिलता है. थैंक यू. ये बस हीलिंग चलती रहेगी तो वो सस्टेन होता रहेगा जो भी हमने सीखा है ना. बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली. थैंक यू सो मच, आप और आपके ब्रदर दोनों आए. थैंक यू सो मच, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. यस मैम, थैंक यू. हम भी उबला चलिए. थैंक यू सो मच, अभी हम निखिल को लेते हैं. निखिल हाँ जी, अनम्यूट कीजिए. लेकिन इस साल कुछ मैं वर्कशॉप अटेंड किया, हीलिंग सीखा, और फर्स्ट टाइम मेरा लक था कि मैं भोपाल में ही था और यहाँ पे ही रिट्रीट हो गया, तो डिवाइन टाइमिंग, तो मजा आ गया मैम. और क्या बताऊं मैं कि क्या फीलिंग था. फर्स्ट डे जब एक्सपीरियंसेस सुने सबके तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब दूसरों के एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला. अपना जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तब भी आप इतने लोगों के सामने आके, स्टेज फियर आपका कम होता है. फिर लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, आपको पता चलता है कि लोग कब से स्पिरिचुअलिज्म में है. कई लोग तो बहुत एक्सपीरियंस लोग आए हुए थे वहां पे, उनके और मिलते हैं. आप SKM टीम मेंबर्स और सर के तो डेफिनेटली मिलते ही हैं, मैम की मिलते हैं, पर वो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. और सब इतने एक मतलब इतनी पॉजिटिविटी थी सभी लोगों के अंदर, कुछ भी किसी का कोई ऐसा नेगेटिव इमोशन या ऐसा कुछ कुछ नहीं, सब ऑल पॉजिटिव एनर्जीज ओवर देयर. और जो हमने स्पेशली जो आपने 5 एलिमेंट्स सिखाया मैम हम फ्रेशर लोगों को, उसमें मजा आ गया. वो एक अलग ही एक्सपीरियंस, बहुत सारा नॉलेज उसमें, विजडम शेयर हुआ.
दूसरे लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंसेस में शेयर करे तो एड ऑन था. देन वी हैड सोल रेग्रेशन, वो पहली बार हुआ, ऑनलाइन हो चुका है पर वहां पर जो हुआ ना फीलिंग बड़े हॉल में सब ऐसा पूरा एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर जो था मजा आ गया. और मैम उसके अलावा डायनेमिक मेडिटेशन बहुत एंजॉय किया, फर्स्ट टाइम मैंने किया, उसमें ऐसा लग रहा था यस वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस. तो रियल मतलब वहां पे फीलिंग आई वो वाली, इमोशंस निकलते हैं मैम और फिर फ्री हो जाते हैं आप एकदम. देन आपका PLR हुआ मेरा फर्स्ट टाइम, बहुत कुछ तो नहीं देख पाया, कुछ फ्लैशेस आ रहे थे, उन चीजों को हील करना है थोड़ा, वो कुछ पता चला मुझे. मैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ वगैरह तो देख नहीं पाया जब शायद वो अपने फियर वगैरह जो चीजें हैं जो हील होनी है उसके बाद में शायद ज्यादा देख पाऊँ, या मैं फुल्ली सरेंडर अभी तक नहीं हुआ था. लेकिन जो मनी अबंडेंस या बोले कि एडवांस अबंडेंस के जो अट्यूनमेंट हुआ और जो मेडिटेशन हुआ वहाँ पे मुझे जो डिवाइन फीलिंग आया ना मैम, वो मुझे पूरे टाइम उसमें बेस्ट मतलब ऐसा ये फीलिंग था मैम, मजा आ गया. मतलब मैम ने हाथ रखा, सर ने सर पे हाथ रखा, वो पता चल गया और ऐसा लगा गणेश जी ने सर पे हाथ रखा, हाथ में लक्ष्मी माता ने, और जो बारिश हो रही है, जो हमारा स्पिरिचुअल मनी पे काम करने का हमारा पर्पस है वो फुलफिल में जो हमने मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो होते हुए दिखा. फीलिंग आई, पूरा इमोशन आया, वो डिवाइन एकदम. मतलब उसके बाद मुझे लग गया नो डाउट, मतलब मैं क्या बताऊं मैम, सर का मैं छोटी छोटी चीजें देख पा रहा था वहां पर. तो इनफैक्ट मुझे खुद को भी सर से कनेक्शन फील होता है, इन द सेंस कि मैं कुछ सोचता भी हूँ ना, कोई थॉट मेरा रहता है ना वो कहीं ना कहीं किसी टॉक में कवर कर देते. इनफैक्ट अभी एक स्टार हीलिंग वाला मैम ने लिया था सेशन जूम का, हम लोग जुड़े थे उसमें, जस्ट सेशन के बाद सर आ गए, वो सेशन तो अमेजिंग था ही, मेरा स्टार से ज्यादा कुछ है भी कनेक्शन तो वो सेशन भी शायद मेरे लिए था, आई एम नॉट श्योर. उस दिन दोपहर में सौम्या मैम ने डाला स्टेटस पे कि स्टार हीलिंग है, मैंने सोचा अरे हम लोग तो इधर है, वो स्टार हीलिंग वाला कैसे अटेंड करेंगे, कुछ तो नया दिख रहा है. और मैम उसी दिन वो चित्रा मैम ने हम लोगों के लिए लाइव ले लिया, फिर सर भी आ गए, एक डेढ़ घंटे का टॉक उनने दिया. और मैम जब सर आए तो वो जैसा कि इंडिविजुअल वन टू वन सबके क्वेश्चन सॉल्व कर पाना इतना मुश्किल रहता है, लेकिन जब वहां पे कई लोग बैठे हुए हैं और फिर भी आपको ये फीलिंग आएगा कि आपके लिए है मैसेजेस, आपको कस्टम मैसेजेस मिलते हैं, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं या जो आपके दिमाग में होता है ना, ऐसा लगता है सर आपको आपके ऑरा को देखते देखते कस्टम मैसेजेस छोड़ रहे हैं. तो अलग ही मतलब पता चल गया मैम, अगर कुछ थोड़ा बहुत इतना नहीं था तो अब कोई शक नहीं रह गया मैम, मतलब कोई ऐसा कोई फीलिंग नहीं रह गया, अब बस सरेंडर करना है जितना हो सके अपनी चीजों को हील करके ताकि हम ग्रो करें स्पिरिचुअली. मजा आ गया मैम, मतलब आनंद आ गया, क्या बताएं मैम. और थैंक यू सो मच. और आपका PLR फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है, जितने भी फ्लैशेस आपने देखे, मतलब इवन बीइंग द फियर एलिमेंट इन दैट, तो भी आपको इतना सब क्लियर हुआ जिसपे अभी हील करना है, तो फर्स्ट टाइम के हिसाब से सच में वो बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है. मजा आ गया मैम. चित्रा मैम ने भी कराया हमको सोल रेग्रेशन, और यू पर्सनली हम लोग भी इंटरेक्ट करें तो अमेजिंग, मतलब क्या सोल्स हैं यहाँ पे. और बाकी तो मैं कुछ दूसरे लोग आए थे जो मेरे गुरु हो गए, एक से मैं जल लेती सीख लिया सुरेंद्र राव सर से, और रेखा भीम थे मैम से मिलने का मौका मिला, और जो भी लोग हैं मतलब शशि मामी जी और सभी लोग, आनंद आ गया मैम. डेफिनेटली आगे फ्यूचर में और ज्वाइन करना चाहेंगे, अपने ऊपर काम करके आएंगे और मजा आएगा. ओम सही. Thank you so much. Thank you so much. Shashi ji. हाँ जी. नमस्ते मैम. नमस्ते जी. कैसे हैं? Gratitude से ज़्यादा क्या हम बोल सकते हैं? मतलब जितना सर मतलब सर abundance में देते हैं और सर की टीम मतलब क्या मतलब आपके बारे में या श्वेता मैम का टच मतलब कितना सर ने दिया. सर की जो थीम थी डिजिटल सोल इवोल्यूशन स्पिरिचुअलिटी और साइंस मतलब बहुत दिया मैडम, बहुत दिया. मतलब जितना कृतज्ञता ज्ञापन करे सर के लिए पूरी टीम के लिए वो कम है. एक्सपीरियंस के लिए तो
क्या कहे पता नहीं, बट बहुत आभार सर का, सर की पूरी टीम का, सबका बहुत आभार। इतने हायर सोल सब आप लोग भोपाल वासी सब आ रहे हैं, हमको आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, तो आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। अभी आपकी आवाज चली गई है हमारे यहाँ से, ठीक है हम लोग रिप्लेस करते हैं। कविता जी आप, हाँ कविता जी हेलो, नमस्ते मैम, नमस्ते, आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही है, आ रही है जी जी। नमस्ते मैम, आज जैसे ना वही बस लग रहा था मेरे को आवाज बीच बीच में मेरा कुछ तो लग रहा था मेरी तरफ से नेटवर्क नहीं आ रहा, कभी मैं बार बार लग रहा था कि भी, फिर आप साइलेंस मेडिटेशन में थे कभी लग रहा था बार बार बीच में। मैम जैसे अभी हमें मेरे को परसों ये करना है कर्ण और रेकी का। जी हमारी जी, कुछ अनाउंसमेंट है, मैं सॉरी मैं बातों में बिल्कुल भूल गई। अभी हमारे कुछ अपकमिंग डेट्स हैं जिसमें हमारे ऑनलाइन रिट्रीट होने वाले हैं फिर से सैटरडे संडे मंडे में, जो जिनका भी अभी स्टिल रहता है करुणा का साइकिक सीखना और मरियम बंधन सीखना, तो प्लीज दे कैन गो अहेड। और हम सब अभी समझ ही सकते हैं कि हमको कितना मिल रहा है। उसके बाद हमारी अमृतसर रिट्रीट है जो 26 से 29 तक है, तो इसी अगस्त के मंथ में, तो जो भी हमारे गोल्डन टेम्पल की भूमि अमृतसर आना चाहे तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है। फर्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ के कनेक्टेड सोल से मिलने के लिए, तो प्लीज यू ऑल आर वेलकम। जी कविता जी, हाँ जी 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 मैम, जैसे मेरा ना अभी रिट्रीट में आने का मन है आपकी बार अमृतसर जी सर। मैम जैसे वहाँ पे हमें, मैम वैसे वैक्सीनेशन का कोई वहाँ पे वो तो नहीं है इशू? जी ये आपको अभी धीरे धीरे आप तो सचिन जी से बात कीजिएगा, वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे ट्रैवलिंग और ये सब के बारे में। नहीं नहीं मैम, कैसे वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है हमें रिट्रीट में? हाँ मैं समझ गई आपकी बात, मैं इसी के लिए बता रही हूँ कि सचिन जी से बात कीजिएगा क्योंकि वो ये सबका देखते हैं ट्रैवलिंग का सबका ना, तो उनको वो बेटर पता रहता है। वैसे अभी मेरे ख्याल से कुछ है नहीं है जी, हम लोग भोपाल होके आए हैं तो हमको ऐसा कुछ रहा नहीं जी। मैम मैम कैसे अभी दोनों ही कर ले करुणा रे क्यों साइकिक जैसे अभी रिट्रीट में आने के लिए? हाँ दोनों कर लीजिए, जैसे अभी अगर मैं एक एक करती हूँ अभी एक साइकिक थोड़ा हाँ, बाद में चल जाएगा मैम? हाँ मैं आपसे पर्सनल से बात करती हूँ। चलो मैं ठीक है मैम, ओके थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू जी। हाँ तो श्वेता मैम को अभी हम लेते हैं हमारे रिट्रीट पार्टनर हम जी। श्वेता मैम हाय, हाय सरिता जी, हेलो कैसे हैं आप? nice बहुत अच्छा लगा आपका मेडिटेशन, बहुत पीसफुल था और एकदम साइलेंस इतने अच्छे से आपने कराया, थैंक यू सो मच पूरे थैंक यू। भोपाल टीम का तो बहुत ही मजा आया भोपाल रिट्रीट में। सर हर बार इतना अलग अलग प्लान करते हैं और इतना अच्छा, इन्हें क्या बोले, हम तो सर के लिए आते हैं कि चलो सर के साथ हम लोग को टाइम मिलेगा, सर को सब सुनने का मौका मिलता है, सर का अट्यूनमेंट मिलता है, और क्या चाहिए। तो एकदम ये हो जाता ना कि सर के साथ मौका मिलता है रहने का, बात करने का। तो इवन दो कि हम लोग एज स्पीकर्स, आप भी जानते हैं स्पीकर्स भी आए, तो हमारा मेन जो इंटेंशन रहता है कि यार सर को मिलने का मौका मिला, तो वो खुद हमारा इतना सोल एवोल्यूशन हो जाता है। पहले मैं श्वेता मैम का सबके साथ इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ, जो भी लोग एंजल थेरेपी नहीं, एंजल सेशंस नहीं लिए हैं, कि श्वेता मैम अभी हमको रिट्रीट पे ज्वाइन करते हैं और इनका मदरली टच रियली डिवाइन है, इतना सॉफ्ट फ्लारी टच होता है वो, और सारे एंजल हमको, एंजल के जितने भी हमको अट्यूनमेंट्स मिले हैं और बहुत सारी हीलिंग टेक्निक्स, जितने भी वो नए नाम थे जो पूरे भोपाल में, वो सब श्वेता मैम ने लिए। तो पहली बात थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच श्वेता मैम, आपसे अट्यूनमेंट लेके हम सच में बहुत डिवाइन फील करते हैं। थैंक यू सरिता जी, मेनली मुझे ये यही बोलना था, भोपाल में इतने सारे लोगों को मिलने का मौका मिला एंड इतना सर ने सबके लिए इतना सोचा था और सबके लिए हर बार हर एक रिट्रीट में इतना बढ़िया बढ़िया प्लान बनाते हैं, इतने साल के बावजूद भी कैसा है कि हम लोग सर से बहुत कुछ सीखते हैं। सर का कुछ हाफ एन आवर भी टॉक रहता है ना, उससे इतने सारे चीजें हम लोग को मिल जाती है। तो हर बार सर के साथ टच में रहिए, कभी भी मौका मिले, पूरा टीम इतना बढ़िया काम कर रहा है, एवरी एक साल के ऊपर इनका 6 PM का सेशंस हो रहा है, इतना कुछ सर देते हैं,
तो लेते जाइए और रिट्रीट्स आगे भी सर इतने अच्छे प्लान्स करें, आगे के जितने भी रिट्रीट्स है बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक्स होंगे, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। सबसे बेस्ट तो सर को देखने का, सर से अटूनमेंट लेने का मौका मिलेगा, तो बिल्कुल मिस ना करें। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि अपने गुरु डॉक्टर उदय शाह सर हमसे कनेक्टेड है, इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। तो जितना हो सके कभी मिस ना करें कोई रिट्रीट को। थैंक यू एसकेएम टीम, थैंक यू भोपाल, बहुत बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, इतने अच्छे से सीखा आप लोगों ने, एकदम एंथुजियाज्म के साथ हर एक चीज का इतना बारीकी से क्वेश्चंस पूछे, सब सीख के लिए आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू एसकेएम, थैंक यू। थैंक यू मैम। और मुझे अभी भी इस बार का जो रिट्रीट था वो एग्जैक्टली जो मैंने पहली बार रिट्रीट में फील किया था, कि मैं जब फर्स्ट रिट्रीट मेरा ऋषिकेश का था 2017 में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी हेवन में हूँ। ये ऐसे लोग, ऐसे एनवायरनमेंट धरती पे तो शायद कहीं मिलता नहीं है, मतलब इतने अच्छे लोग भी होते हैं। मतलब मुझे सब ऐसे लग रहे थे कि सब गॉड गॉडेसेस के जैसे है, उस वक्त नलिनी आंटी सर और ये लोग सब जैसा गॉड गॉडेसेस के जैसे है। तो मेरे को वही वापस से मुझे ये फील आया कि इस बार भोपाल रिट्रीट ऐसे था कि सब क्लियर करके हम बैक टू द ओरिजिन पहुंचे, कि अपना दूसरों का और खुद का सोल का जैसे प्योरिटी हम लोग फील कर पाए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। यस वन मोर एक्सपीरियंस, रानू जी, जी रानू जी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी जी रानू जी, जी मैंने अनम्यूट किया आपका, आपके एंड से भी अनम्यूट है बट आवाज नहीं आ रही है हमें। रानू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी जी, इट्स ओके। तो आप हमें लिख के भी बता सकते हैं। तो जी थैंक यू सो मच टुडे फॉर ज्वाइनिंग और इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस के लिए, मुझे लिटरली बहुत मजा आता है। मैं सबके दिल से इतने एक्सपीरियंस सुनती हूँ और मुझे अपना भी समझ में आता है कि जब हम भी बोलते हैं तो लोगों को वही अफेक्ट आता है, क्यों ना एक्सपीरियंस शेयर करें सो दैट सबको ये चीज का बेनिफिट हो, ये डिवाइन चीज का। क्योंकि सर हमें सीधा बोलते हैं कि हम ऑनलाइन में बहुत अच्छे से सब चीजें ले रहे हैं, बट वन टू वन में जो हम लोगों के आपस में जो ऑरा का इंटरेक्शन होता है वो कुछ अलग ही अमेजिंग होता है। वही वन टू वन में जब हम दोबारा से जाके रिपीट करते हैं अपने करुणा और साइकिक के सेशन में, फिर कुछ नया निकलता है, हम भी अपडेट होते हैं, आप भी अपडेट होते हैं। जो सर ने रिट्रीट को इस बार दिया था कि डिजिटल सोल एवोल्यूशन, तो हम भी एवरी मूवमेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं और साथ में आप भी कर रहे हैं, तो दोनों मिलते हैं तो कुछ और ही इवॉल्व होते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल हम। जी मैं आज की सेशन का रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ, आई होप रिकॉर्डिंग में सब अच्छे से हो।